और भी लोग आ जाए इधर। इस तरफ से आ जाए, उधर से बाहर से आ जाए, आप खड़े रहिए, इस तरफ आ जाइए। गुलाब सिंह जी कैप आप पहना दो, गुलाब सिंह जी कैप आप पहना दो। मैं उधर से जाइए, तार 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 से तार देखते जाना, ये नहीं तार है एक इधर आइए जी। कोई बात नहीं, आओ, कोई दिक्कत नहीं। कई प्रतिष्ठित लोग आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में मेजर विक्रांत खरे जी, जो सेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 4 साल तक तैनात रह के देश की सेवा की है, एक सफल कमांडो रहे हैं। सेना में नौकरी के दौरान घायल हुए, जिसके बाद इन्होंने सेना छोड़ी, फिर IIM लखनऊ से मैनेजमेंट का कोर्स किया और कई कंपनियों में सीनियर पद पे रहे। आज अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं मेजर विक्रांत खरे जी, आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। हम हृदय से इनका स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी परिवार में। और इसी के साथ चंद्र सिंह रावता जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, SC मोर्चा दिल्ली प्रदेश के, और इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अनूप सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दुष्यंत कुमार जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला नजफगढ़ के सचिव परवेश जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव नगली के सतबीर सिंह जी, और मनीष जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, रमेश कुमार जी जो प्रजापत विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जिला नजफगढ़ के, और इसके साथ साथ बहुत सारे इनके प्रमुख साथी, सुखबीर सिंह जी, हुकुमचंद जी, संतराम जी, चौधरी राजवीर सिंह जी, प्रीतम सिंह, राम कुमार जी, भीम सिंह राणा जी, सुनील कुमार, अमृत लाल, नरेश प्रधान, यशपाल यादव, नरसिंह, देवी सिंह, पिंटू, होशियार सिंह, देशराज, ब्लॉक बालकिशन, जोगेंद्र सिंह जी, महिपाल सिंह, रवि कुमार, ये सारे लोग भी आज चंद्र सिंह जी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। और इनके बारे में मैं ये भी बता दूं कि वर्ष 2000 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था वार्ड काउंसलर का दिल्ली में, और उसमें इनको 3200 वोट भी मिले थे। SC मोर्चा में काम करते हुए इन्होंने ग्रामीण इलाकों में, विशेष तौर से नजफगढ़ जिला, मटियाला हुआ, नजफगढ़ हुआ, जो आसपास की विधानसभाएं हैं, उसमें इन्होंने बहुत जमकर व्यापक स्तर पे काम किया और गांव-गांव में
आज अपनी पैठ बनाई है संगठन के माध्यम से। आम आदमी पार्टी में चंद सिंह रावता जी का मैं स्वागत करता हूं और इनके आने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को विशेष तौर से मजबूती मिलेगी। गुलाब सिंह जी जो हमारे मटियाला के विधायक हैं, उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से आज आम आदमी पार्टी ये ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में कैप्टन सालनी सिंह जी हैं, उनके प्रयासों से, उनसे बातचीत करके आज मेजर विक्रांत खरे जी जो आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने देश और समाज के लिए लंबे समय तक काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं और भविष्य में भी वो एक अच्छे मिशन के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, जो आज दिल्ली में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी के तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, उन सब का आज आम आदमी पार्टी परिवार के अंदर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहले इन लोगों की ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद मेजर साहब अपनी बात रखेंगे, चंद सिंह जी अपनी बात रखेंगे। गुलाब सिंह जी भी जो हमारे विधायक हैं मटियाला से, वो भी कुछ बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त क्रांतिकारी साथियों और सभी तमाम पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। विशेष तौर पे मैं चंद्र रावता जी के बारे में कहना चाहता हूँ। चंद्र रावता जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर जनरल सीट थी और 3200 वोट उनको उनकी विचारों से और उनकी कर्मठता से, उनकी मेहनत से मिले थे। लोगों में एक बहुत ही अच्छी पहचान हमारे दिल्ली देहात क्षेत्र में चंद्र रावता जी की है और इनके गाँव का नाम इनके पीछे लगता है, रावता गाँव से बिलोंग करते, जो कि मेरे गाँव से बिल्कुल नज़दीकी है। 35 गाँव में सभी SC ST समाज हो या जनरल कैटेगरी के कोई भी लोग, हर जगह मिलनसार आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी में मंडल से लेकर, जिले से लेकर और प्रदेश तक इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। निश्चित तौर पर कई जगह इन्होंने महसूस किया वो सम्मान नहीं मिल पाया और झूठ की राजनीति से, ये बताते हैं भी टोटल झूठ की राजनीति, जिस तरह से ये पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर वहाँ के जो सांसद थे उनको गाँव से धक्के मार मार के भगाया गया। ये आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे किस तरह से उनसे सवाल पूछे गए। ठीक है, आप मोदी जी के नाम पर जीत गए लेकिन एक सांसद होने के नाते आपने दिल्ली का बेड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन तमाम दमनकारी नीति और नेताओं की वजह से आज हताश होकर चंद्र सिंह रावता जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आम आदमी पार्टी के अंदर, पूरे परिवार के अंदर उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।